हेलो एवरीबॉडी, दिस इज फिफ्थ लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर कंज्यूमर राइट्स। इस लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर को एक बार शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, तो फिर आइए लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग। गाइस, जब तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, तो मार्केट प्लेस में कंज्यूमर्स को अलग अलग तरीकों से एक्सप्लॉइट किया जाता था। ये सब सिचुएशन तब चेंज हुई जब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने एक्टिवली कंज्यूमर मूवमेंट में पार्ट लिया, जिससे कि 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंट हुआ था। उसमें कंज्यूमर्स को 5 बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स दिए गए। वो थे राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इंफॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू सीक रिड्रेसल और राइट टू रिप्रेजेंट। अगर इनमें से किसी भी कंज्यूमर राइट को एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो कंज्यूमर्स अपने क्लेम के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकते हैं। यस सर, फिर हमने आज तक के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रिजल्ट को भी समझा था। यस, सो गाइस, ओवरऑल कंज्यूमर्स को मार्केट प्लेस में 3 ड्यूटीज जरूर निभानी चाहिए। पहली है कि उनको हमेशा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए। हो सके तो उनको क्वालिटी मार्क जरूर चेक करना चाहिए, जैसे कि ISI मार्क, एग मार्क और FSSAI मार्क। सेकंड है कि परचेजिंग करते हुए कंज्यूमर को हमेशा बिल्स जरूर लेने चाहिए और उनको हमेशा संभाल के रखना चाहिए। और थर्ड है कि कंज्यूमर्स को ये अपने राइट्स को समझना चाहिए, और अगर किसी तरीके से उनके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो उनको कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। हियर दिस चैप्टर एंड्स। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आए, तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। क्लिक हेयर to go to the playlist of civic subject. Click on the circle to subscribe and don't forget to visit our website, that is pustack.com, for more awesome videos on various topics.